सभी छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनेट पर चल रहा है बवाल ऑफर, जहां आप कक्षा 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स 30,000 में नहीं बल्कि मात्र 3,000 में पा सकते हैं। क्लास 11 और 12th का पूरा कोर्स 50,000 में नहीं मात्र 5,000 में पा सकते हैं। साथ में आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, रोजाना होमवर्क मिलेगा, डाउट का समाधान मिलेगा, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व, क्विज और पूरे कोर्स का रिविजन कराया जाएगा। तो देर है किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कोर्स ले सकते हैं एनी टाइम, ANYTIME एनी टाइम। कूपन लगाइएगा तो 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से, VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2018-21 के हैं, बार बार एक ही सवाल करते कि सर अभी तक हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, फॉर्म भरने में परेशानी हो रहा है। तो इस पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक छात्र हित में फैसला लिया है। क्या वो बड़ा फैसला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। पार्ट टू का एग्जाम कब होगा, छात्रों का सवाल रहता है, और पार्ट टू का एग्जाम कैसे होगा, मतलब सेंटर पर जाके होगा या पार्ट वन जैसा असाइनमेंट पर होगा, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। साथ में पार्ट वन का प्रैक्टिकल अभी चल रहा है बहुत सारे कॉलेज में, कब तक इसका रिजल्ट जारी होगा इस वीडियो में आपको बताएंगे, और पार्ट थर्ड रिजल्ट कब तक जारी करेगा 17-20 का VKSU वाला, क्योंकि आपका 9 मार्च को कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने के लिए कंप्यूटर सेंटर ने वेबसाइट पर डेट निर्धारित किया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो कब तक रिजल्ट जारी होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए VKSU वाला ऑफिशियल, लगभग आपको 18,000 छात्र मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए, जो भी सूचना रहता है हम लोग डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 18-21 का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 19-22 का, उसके बाद हम लोग 17-20 का बात कर लेंगे। देखिए, अगर आप 18-21 के स्टूडेंट हैं, पार्ट टू का फॉर्म भर रहे हैं, परेशानी हो रहा है, नहीं भर पा रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रधानाचार्य को विश्वविद्यालय की तरफ से सूचना दे दिया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र नहीं भर सके हैं जो भी छात्र, वैसे छात्र छात्राओं का अपने स्तर से 17-3-2021 तक ऑफलाइन परीक्षा प्रपत्र भरवाने की कृपा करें। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है, जो लोग अभी तक पार्ट टू का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ऑनलाइन भरने में परेशानी हो रहा है, आप अपने कॉलेज में चले जाइए, आपके कॉलेज में भी फॉर्म ऑफलाइन भराएगा। देख सकते हैं 17-3-2021 तक ऑफलाइन कॉलेज को फॉर्म भरवाना है, विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें अगर आप जनरल के छात्र हैं, मतलब BA BSc BCom पास कोर्स हैं या ऑनर्स हैं, सबका आपका ऑफलाइन भी फॉर्म भराएगा। रहा बात कि जो ऑनलाइन भर लिए उनका क्या होगा, तो जो ऑनलाइन भर लिए उनका सत्यापन तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, फॉर्म ऑनलाइन भरने में परेशानी हो रहा है, बहुत सारे छात्र परेशान थे, इसलिए भी छात्र हित में फैसला लिया है कि वैसे छात्र कॉलेज में जाके अपना फॉर्म भर दीजिए, 17-3-2021 तक डेट है। देखिए, उसके बाद लिखता है कि जिन छात्र छात्राओं का पंजीयन 2016 से पहले का है, मतलब 2015 का है, 2014 का है, तो वैसे छात्रों का फॉर्म पार्ट टू का नहीं भराएगा। बहुत बड़ी अपडेट, 2016 से पहले का जिनका भी रजिस्ट्रेशन है, उनका पार्ट टू का फॉर्म VKSU स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपको बता दें रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका स्नातक में, उसका 6 साल तक ही वैल्यू रहता है, यानी कि 2015 या उससे पहले का कोई भी छात्र पार्ट टू का फॉर्म नहीं भरिए, उसको VKSU स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि साफ लिखता है जिन छात्र छात्राओं का पंजीयन वर्ष 2016 के पूर्व का होगा, उनका परीक्षा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा। यदि महाविद्यालय ऐसे छात्र छात्राओं का परीक्षा प्रपत्र भरवाता है, तो इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। मतलब देखिए, 2016 के पूर्व बोला है, मतलब 2016 तक का आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो देख सकते हैं, अगर आप फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रहा है, तो 17-3-2021 तक कॉलेज में जाके फॉर्म भर सकते हैं। अब रहा बात कि इसका एग्जाम कैसे होगा, तो आपको बता दें कि आपका जो भी एग्जाम होगा, 50% आपको असाइनमेंट क्या होता है, तो पार्ट वन के एग्जाम के समय बहुत सारा वीडियो आया हुआ है, आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन अपलोड होगा, असाइनमेंट बना के कॉलेज में अपने विभाग में जाके जमा करना होगा, और उसका 50% और जो पार्ट वन में आपका मार्क्स आया है उसका 50% आधा करके दोनों का जोड़ के आपका पार्ट टू का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और रहा बात कि एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम पार्ट टू का आपका अप्रैल में होगा, सब कुछ सही रहा तो मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। तो साइट याद रखिएगा stresult.com 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 पर सबसे पहले आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं 19-22 का,
तो 19-22 के जो भी छात्र अभी तक प्रैक्टिकल नहीं दिए हैं, आपसे एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय रिक्वेस्ट करता है प्रैक्टिकल दे दीजिए, क्योंकि सभी विभाग में प्रैक्टिकल अब अंतिम चरण में चल रहा है। और प्रैक्टिकल देते समय आप प्रैक्टिकल कॉपी जरूर बनाएं, और वहाँ पर जाइएगा तो कुछ ही लोग लिखवाते भी हैं क्वेश्चन देकर, और सरकारी कॉलेज में भाई भाई भी होता है। तो प्रैक्टिकल जिनका छूट रहा है प्रैक्टिकल जाके जरूर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं दीजिएगा तो आपका रिजल्ट को प्रमोटेड कर दिया जाएगा। तो जो छात्र का प्रैक्टिकल होता है उनको प्रैक्टिकल देना अति आवश्यक है, और प्रैक्टिकल आपके अपने विभाग में हो रहा है। अप्रैल लास्ट कब तक? अप्रैल लास्ट तक आप लोग परेशान नहीं होइए, अप्रैल लास्ट तक आप लोग का पार्ट वन बी ए बी एस सी बी कॉम का रिजल्ट जारी करेगा भी के सी वाला। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। अब चलिए अब बात करते हैं पार्ट थर्ड रिजल्ट का, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का क्या कहना। कल 9 मार्च को कंप्यूटर सेंटर द्वारा वहाँ पर डेट निर्धारित किया गया कि बीकॉम का रिजल्ट जारी करेंगे। हम लोग भी पूछे तो हम लोग को बताया गया 9 मार्च को जारी होगा, लेकिन देख सकते हैं छात्र देर रात तक stresult.com या VKSU के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते रहे, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो आप परेशान ना होइए, आपका डेट वहाँ पर लिख दिया है तो 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए, आप लोग का कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके 3-4 दिन बाद BSc का, और उसके 3-4 दिन बाद BA का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप परेशान ना होइए, जो stresult.com वेबसाइट है वहाँ पर डेली विजिट करते रहिए, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा वहाँ पर हम लोग लिंक दे देंगे। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि छात्रों का रिजल्ट जल्दी जारी हो, और हम लोग छात्र हित में विश्वविद्यालय से मांग करते हैं इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास वीडियो पहुँचे। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय छात्रों का आवाज़ है, और हम मांग करते हैं कि रिजल्ट जितना जल्दी हो सके छात्रों को दीजिए, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म आया है, UPSC का फॉर्म आया है, छात्र नहीं भर सकते हैं, तो फॉर्म बहुत सारा छूट जाएगा छात्रों का। इसलिए आप 15 मार्च तक किसी भी हाल में रिजल्ट को घोषित कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों के पास वीडियो पहुंचे। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा मांग करता है कि BA BSc BCOM का 15 से 20 मार्च के बीच में किसी भी हाल में एनी हाउ रिजल्ट को घोषित किया जाए। 9 मार्च आप बीकॉम का रिजल्ट का डेट देते हैं और रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, ये कैसा मजाक है छात्रों के साथ? छात्र परेशान थे, बहुत सारे छात्र कॉल करके पूछ रहे थे, तो हम लोग यही बोलते थे कि देखो बाबू हम लोग को भी तो यही बताया गया है, हम लोग तो इन्फॉर्मेशन देते हैं एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय का, आपको ऐसा मतलब मुहिम हम लोग स्टार्ट की कि आपको घर बैठे अपडेट मिल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय का क्या कहना, देख सकते हैं VKSU का हाल क्या है, डेट देता है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं करता है। तो आप परेशान ना होइए, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय। stresult.com वेबसाइट पर डेली चेक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।